समंदर और आपके बीच का रिश्ता एक माँ और बच्चे की तरह है। आपको उसका ख्याल रखना चाहिए। मानता हूँ आप ज्यादा से ज्यादा मछलियाँ पकड़ना चाहते हैं, लेकिन ज्यादा मछलियाँ पकड़ना भी हानिकारक हो सकता है। पर्यावरण की भलाई इसी में है कि आप जरूरत के हिसाब से मछलियाँ पकड़ें। अगली बार समंदर में जाने से पहले एक बार आपस में चर्चा कर लीजिए कि उस दिन आपको कितनी मछलियाँ पकड़नी है। मैं एमएलए देशपांडे का भाई हूँ। कल मछलियाँ पकड़ने आपके साथ मैं भी चलूंगा, तभी बात कर लेंगे। क्या हुआ, गले में खराश है? पार्क को लेके तेरे ऊपर मेरे भाई का दिमाग बहुत सटका हुआ है। तेरे भाई की सटके तेरी सटके या किसी और की, मुझे कोई परवाह नहीं। सोच, अगर कुदरत की सटकी तो क्या होगा? तुझे आइडिया नहीं है भाई को गुस्सा आया तो तेरे साथ क्या होगा? तेरे टुकड़े टुकड़े करके समुंदर में फेंक देंगे। अब कैसे समझाऊं तुझे? मेरे भाई, आकाश, वायु, धरती, ये समंदर, इनके गुस्से के आगे कोई नहीं टिक सकता। भाई का गुस्सा हम तेरे को दिखाएंगे, तू बता कुदरत क्या करेगी? हो जाए मुकाबला, जो जीता पार्क उसका। बोल, क्या बोलता है? नहीं मानेगा। पर तुझे पूरा सीन दिखाने से पहले मैं छोटा सा सैंपल दिखाना चाहता हूं। आई प्रॉमिस, ये बस एक छोटा सा सैंपल होगा। भूकंप, भूकंप के बारे में तो सुना ही होगा, ये कुदरत का ही एक हिस्सा होता है। ये मेरा सैंपल था, अब पूरा सीन देखो। और ये बवंडर था। एक और खतरनाक चीज है, सुनामी। लहरें ऊपर उठती जाती हैं। चल एक कोशिश करते हैं तुझे ऊपर उठाने की।